नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 का आप खूब मजा ले रहे हैं, हम भी बहुत मजा ले रहे हैं इस सीजन का, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चल रहा है ये सीजन। टास्क हो रहे हैं, स्टंट हो रहे हैं और बड़ा ही मनोरंजन हो रहा है भारती के साथ साथ। तो बात करते हैं आज के टॉप 7 की, यानी कि आज सोमवार है तो बारी है आप लोगों के कमेंट्स और हमारे व्यूअर्स की और अच्छी अच्छी राय के बाद एक टॉप 7 की कैटेगरी बनाने की, तो उसी के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। तो इस सीजन आपने खूब मजा लिया खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 का, क्योंकि भारती ने बहुत ही बढ़िया एंटरटेन किया सब लोगों को। अपनी जो एंटरटेनमेंट की एबिलिटी है, जो हंसाने की उनकी कला है, उसको लेके रोहित शेट्टी को भी नहीं बख्शा, उनकी भी मिमिक्री कर डाली। तो शुरुआत करते हैं नंबर 7 से। जी हाँ, भारती नहीं है नंबर 7 पे, नंबर 7 पे इस बार है आदित्य। जी हाँ, आदित्य ने इस बार टास्क किया मगर उनको चोट लग गई और अपनी जगह पे उन्होंने स्टंट करने के लिए पुनीत को बुलाया, जो ऑलरेडी स्टंट मास्टर है। तो इन सब चीजों को लेके आदित्य को काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो आदित्य ने इस बार टॉप 7 में अपनी जगह बनाई है और आ गए हैं नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आ गए हैं जैन। जी हाँ, पहले वो काफी अच्छे नंबर्स में थे, यानी कि टॉप के नंबर्स में थे, टॉप 5 के नंबर्स में आ रहे थे, मगर इस बार नंबर 6 पे आ गए हैं, क्योंकि वो टास्क तो अच्छा कर रहे हैं, स्टंट भी अच्छा कर रहे हैं, मगर फिर भी उनको लोगों के कमेंट्स बहुत ही कम आए हैं इस हफ्ते में, तो इसलिए वो है नंबर 6 में। नंबर 5 पे है रिद्धिमा। रिद्धिमा कोशिश तो बहुत कर रही है दोस्तों, अच्छे अच्छे स्टंट भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, मगर पता नहीं क्या चक्कर है, उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे वैसे पर्सनली बोलने तो बहुत पसंद है, रिद्धिमा अच्छा करती है और अच्छे अच्छे अपनी तरफ से कोशिश भी करती है पंच भी मारने की, जिसपे हंसी कम आती है लोगों को, मगर फिर भी रिद्धिमा अच्छा कर रही है, मगर इन सब के बावजूद वो है नंबर 5 पर। नंबर 4 पे हैं जैस्मिन। जी हाँ, उनको अगर हम निरूपा राय कहें तो बहुत अच्छा होगा, मीना कुमारी कहें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत रोती हैं स्टंट करने से पहले। इवन भारती ने भी ये उनके ऊपर टॉन्ट मारा कि इसने इतना डेली सोप में नहीं आंसू बहाए होंगे जितने इसमें खतरों के खिलाड़ी में बहाए हैं। टास्क करने से पहले वो ऐसा रोती है कि जैसे ये टास्क वो कर ही नहीं पाएंगी। सांप, मुझे बहुत सांप से डर लगता है, ये वो मुझे नहीं करना है, मैं कैसे करूंगी, ब्ला 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 बातें बोलती है, मगर बाद में स्टंट यानी कि टास्क करती है बहुत ही बेहतरीन। तो नंबर 4 पे है जैस्मिन। तीन पे है आप सबकी फेवरेट भारती। धीरे धीरे इनके नंबर आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और भारती क्यों ना हो नंबर 3 पे, क्योंकि वो स्टंट चाहे थोड़ा कम ज्यादा करे मगर एंटरटेनमेंट खूब देती है व्यूअर्स को, साथ में वहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उनको भी खूब एंटरटेन करते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीक में भी देखा कि जैसे ही भारती का नंबर आया घर से बाहर जाने के लिए, वैसे ही लोगों ने कंटेस्टेंट ने रोना धोना शुरू कर दिया कि भारती नहीं जाएगी, और भारती नो इलिमिनेशन का कार्ड लेके बच गई। इस बार भारती को इसीलिए नंबर 3 मिला है क्योंकि भारती लोगों के दिल में और भी ज्यादा जगह बनाती जा रही है। वैसे तो पहले से उनकी बहुत अच्छी जगह है मगर फिर भी उन्होंने इस खतरों के खिलाड़ी यानी कि फेयर जो फेयर से जीतना है उसको जीत जीत कर भी वो कॉमेडी के साथ साथ अपनी ये वाली जगह भी बनाती जा रही है। तो भारती है नंबर 3 पर। नंबर 2 पे आ गए शमिता शेट्टी। भले ही उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है मगर फिर भी उन्होंने एक दो वीक में ही अपने फेयर्स को जीतना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ वो अपने जो कीड़े मकोड़ों के डर को जीतती जा रही है, साथ में बड़े बड़े जानवर यानी कि स्नेक और बहुत सारी चीजों से अपने फेयर को जीतती जा रही है, और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प उनकी कर रहे हैं रोहित शेट्टी। उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं शमिता के लिए, इसलिए वो है नंबर 2 पर। नंबर
एक पे हैं पुनीत। जी हाँ, नंबर एक पे अपनी जगह बनाई हुए हैं पुनीत, क्योंकि पुनीत हर स्टंट को परफेक्ट करते हैं। अभी तक उनको एक भी फेयर फंदा नहीं मिला है। मुझे लगता था कि इस बार मिलेगा, मगर इस बार भी पुनीत दोनों सैटरडे संडे के एपिसोड के स्टंट करके अपने आप को क्लियर चिट से बाहर लेके आ गए हैं, इसीलिए वो है नंबर एक पे। तो दोस्तों ये थे टॉप सेवन इस वीक के। अगले वीक के टॉप सेवन आपके साथ मिलके फिर से बनाएंगे। आप कमेंट करते रहिए हमारे वीडियो के नीचे और बताएं कि आपके हिसाब से टॉप सेवन कौन होने चाहिए, या फिर आपके हिसाब से टॉप फाइव, या फिर थ्री, या टू, या फिर वन कौन होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.